हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर अकेडमी। तो गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 2 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि ये एक रिवीजन सीरीज चालू है, जिसके अंदर मैं आप सभी को हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दूंगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम जब आप पढ़ो तो बस अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हो तो उससे भी आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर आप नवनीत के डाइजेस्ट को फॉलो करते हो तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि सारे के सारे डायरेक्ट पॉइंट वहीं से लिए गए हैं, ताकि आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाए और आप एक अच्छा आंसर लिख पाओ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो पेशेंस रखना, पूरे वीडियो को देखना, हर एक क्वेश्चन को कवर करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। देर इज़ नो वेस्ट फॉलोइंग रिवर इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में क्या कहा गया है कि ब्राज़ील में कोई भी रिवर ऐसी नहीं है जो वेस्ट साइड में बह रही है, ये उन लोगों ने बोला। तो उन्होंने ये गिव रीज़न है, अगर आपने ये चीज़ देखा होगा, गिव ज्योग्राफिकल रीज़न उन्होंने पूछा है। तो ब्राज़ील में अगर कोई भी वेस्ट फॉलोइंग रिवर नहीं है तो इसके कारण बताओ। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, पहला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द रिवर इन ब्राज़ील आर ओरिजिनेट फ्रॉम ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ब्राज़ील का हाईलैंड से बहुत सारे रिवर होके निकलती है। ब्राज़ील का हाईलैंड ये साइड है, आप सभी लोगों ने आई होप चैप्टर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो ब्राज़ील का हाईलैंड ये पार्ट पे पाया जाता है, और ब्राज़ील में जितनी भी रिवर ओरिजिनेट होती हैं वो हाईलैंड से होकर के इस साइड जाके नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ जाती है। तो ब्राज़ील में हाईलैंड ये है, यहाँ से ओरिजिनेट होकर रिवर ऊपर की तरफ जा रही है। देख लेते हैं उसके सेकेंड पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है। सेकेंड पॉइंट पे उन्होंने बोला, अल्टीट्यूड ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नीचे से ऊपर की तरफ, साउथ टू नॉर्थ, नीचे से ऊपर की तरफ ब्राज़ील का जो अल्टीट्यूड है, हाइट है, वो स्लोली कम होता चला जाता है। तो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ब्राज़ील का ये पार्ट ऊपर होगा और ये पार्ट नीचे होगा। ऑब्वियसली ये पार्ट ऊपर होगा, ये पार्ट नीचे होगा, तो रिवर ऊपर के साइड ही बह के जाएगी मैप के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिवर इन ब्राज़ील फ्लो टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड ईस्टर्न डायरेक्शन। हम बोल सकते हैं कि रिवर में, ब्राज़ील में सारे के सारे रिवर नॉर्थ साइड में या तो ईस्ट साइड में बह के जाती हैं। क्यों जाती है ये ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया, क्योंकि उसका जो हाइट है वो नीचे से ऊपर की तरफ कम होता चला जाता है। देख लेते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। रिवर फॉलोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन मीट नॉर्थ अटलांटिक ओशन। जो भी रिवर नॉर्थ में बह के जाएगी वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मीट करेगी, और जो भी रिवर ईस्ट में बह के आएगी वो साउथ अटलांटिक ओशन को मीट करने वाली है। आई होप सभी लोगों ने ये देखा होगा। सो यू कैन से दैट देर इज़ नो वेस्ट फॉलोइंग रिवर। तो हम इससे बोल सकते हैं कि वेस्ट में कोई भी रिवर नहीं बहती है। आई होप सभी लोगों को ये तीन पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। पहले पॉइंट में मैंने क्या बोल दिया, पहले पॉइंट में मैंने बोला कि ब्राज़ील के सारी रिवर जो है वो ब्राज़ीलियन हाईलैंड से होकर निकलती है। सेकंड मैंने बोल दिया कि उसका जो हाइट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ डिक्रीज होता है। फिर मैंने बोला कि रिवर, जो भी रिवर नॉर्थ में जाती है नॉर्थ अटलांटिक में जाती है, जो भी रिवर ईस्ट में जाती है साउथ अटलांटिक ओशन में जाती है। वीडियो को रिवर्स करके वापस से आप सुन सकते हो अगर आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो, लेकिन एक बार अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बोलता है, देर इज लॉट्स ऑफ डिसिमिलैरिटीज बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्ट और ईस्ट कोस्ट पे बहुत सारे डिसिमिलैरिटीज हैं। जो इंडिया का वेस्ट साइड है और ईस्ट साइड है, दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें डिसिमिलर है, सेम नहीं है। देखते हैं क्यों सेम नहीं है, क्या क्या कारण है उसके। तो पहला कारण उसका है, एट द प्लेस स्पर टेकिंग ऑफ ऑफ द वेस्टर्न घाट हैव एक्सटेंडेड राइट अप ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। स्पर क्या होता है, जब कोई भी इस तरह का लैंड एरिया हो, पानी बह के यहाँ से इस तरह से अगर निकलने लगे और बहने लगे तो उसको स्पर कहा जाता है, उसको स्पर कहते हैं। घाट्स हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू द वेस्टर्न कोस्ट एज इट्स इफेक्ट द वेस्टर्न कोस्ट इज रॉकी इन नेचर। इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है ना वो काफ़ी रॉकी है, रॉकी इन नेचर है, काफ़ी वो कठोर है। वो वहाँ पे किसी भी तरह का डेल्टा नहीं बनाता है बल्कि एस्टुरीज बनाता है। एस्टुरीज और डेल्टा का मतलब हम नेक्स्ट पॉइंट में देख लेंगे। अगला पॉइंट क्या है, विथ द वेस्टर्न कोस्ट इज कम्पेरेटिवली लेस। वेस्टर्न कोस्ट का जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम है, विथ क्या है, कम है।
वेस्टर्न वेस्टवर्ड फॉलोइंग रिवर मीट अरेबियन सी फ्रॉम एस्टुरीज नो डेल्टा ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। डेल्टा क्या होता है आप सभी लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि डेल्टा क्या होता है। जैसे कि कोई रिवर समुद्र में जब जाती है, कोई भी नदी जब समुद्र में जाती है तो वहाँ पे वो जाके अगर फैल जाए या फिर स्लोली स्लोली करके ड्रेन करे या कीचड़ जैसा कुछ बना दे लास्ट में जाके, तो हम उसे डेल्टा कहते हैं। जैसे सुंदरबन डेल्टा एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है जो कि गंगा रिवर द्वारा बनाया जाता है। आपके टेक्स्ट बुक में इसका फोटो दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वहीं पे जो भी रिवर वेस्ट साइड में बह के आएगी वो कभी डेल्टा नहीं बनाएगी, वो एस्टुरीज बनाती है, डायरेक्ट झरने की तरह वो समुद्र के अंदर गिरती है, स्पर की तरह वो समुद्र के अंदर गिरती है। देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या दिया है। ऑन द अदर हैंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर विड्थ ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज कंप्लीटली मोर। जो ईस्टर्न कोस्ट बना है ना इंडिया का पूरा डिपोजिशन से बना है। रिवर अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आती है और ईस्टर्न कोस्ट को उसे लीव कर देती है और आगे चले जाती है। इस वजह से ईस्टर्न कोस्ट बना है, इस वजह से इसका वेट ज़्यादा है और वेस्टर्न कोस्ट का वेट कम है। ऑलरेडी ये चीज़ मैंने बता दिया। आई होप ये तीनों पॉइंट आप सभी लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा कि क्यों वेस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट इंडिया का अलग अलग पाया जाता है। नहीं समझो तो मैं फिर से बोलूँगा, वीडियो को रिवर्स करके एक बार देख लेना। अगला आपका क्वेश्चन है, देर आर फ्यूअर नेचुरल पोर्ट ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। मार्च 2019 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, एक बार सुन लोगे समझ लोगे इजीली क्वेश्चन याद हो जाएगा। क्या क्वेश्चन दिया है कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ब्राज़ील के ईस्ट कोस्ट पे नेचुरल पोर्ट नहीं है। देखो नेचुरल पोर्ट क्या होता है, बंदरगाह होता है जहाँ पे शिप्स आके एंकर होती हैं, शिप्स आके रुकती हैं, बोट आके रुकती हैं, तो वो यहाँ पे पाया नहीं जाता। उन लोगों ने बोला नेचुरली नहीं पाया जाता, हमें आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है। इसका भी रीज़न एकदम क्लियर आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे डेल्टा बनता है, यहाँ पे कोई ऊंची ज़मीन नहीं है, मतलब ओशन से ऊंची ज़मीन नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे नेचुरली कोई चीज़ नहीं बन सकता। और वाटर काफ़ी शैलो होता है, शैलो मतलब पानी कम गहरा होता है। जब पानी कम गहरा रहेगा तो शिप्स एकदम किनारे तक आ पाना पॉसिबल नहीं है। यही रीज़न है कि यहाँ पे नेचुरली नहीं बनता कभी भी पोर्ट, यहाँ पे हमें आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया कोस्ट ऑफ द सबमर्ज्ड, ऑन अदर हैंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज कोस्ट इमर्जेंस। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है वो काफ़ी गहरा होता है, ये पार्ट काफ़ी गहरा होता है और लैंड वाला पार्ट जो होता है, ज़मीन वाला पार्ट होता है, वो ऊंचा होता है, इसलिए शिप्स ये कोने तक आ जाती है। तो हम नेचुरली इसको हम लोग बोल सकते हैं नेचुरली ये पोर्ट बन गया। बट इन केस ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ज़मीन काफ़ी ऊपर तक आ जाती है, पानी के अंदर इमर्जेंस हो जाता है, जिस वजह से शिप वहाँ तक पहुँच नहीं सकती और शिप वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे चीज़ें नेचुरली बनी है, हमें आर्टिफिशियली कोई ना कोई चीज़ बनाना पड़ेगा। आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आया होगा क्यों इंडिया के इस साइड में किसी भी तरह का नेचुरल पोर्ट नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और भी एक पॉइंट अगर हम देखें, वेस्टवर्ड फॉलोइंग रिवर मीटिंग एट द अरेबियन सी ऑफ एस्टुरीज एट मेनी प्लेसेस ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, ऑन द अदर हैंड ईस्टवर्ड फॉलोइंग रिवर मीटिंग बे ऑफ बंगाल। ये तो हमने देखा है, वेस्ट साइड में जो रिवर बहेंगी वो अरेबियन सी में मिलेगी, वहीं पे यहाँ पे ये इस साइड में जो भी रिवर बह के आएंगी वो बे ऑफ बंगाल में मिलेगी। बे ऑफ बंगाल आप लोगों को पता होगा, ये जो पार्ट है इंडिया का यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है, ये पार्ट में बहुत सारी रिवर आके मिलती हैं और ये सारी की सारी रिवर यहाँ डेल्टा बनाती हैं, जिस वजह से शिप नज़दीक तक नहीं पहुँच पाती हैं। ये चीज़ दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर रखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमेजन के मुकाबले, क्या लिखा है क्वेश्चन, एज़ कम्पेयर टू अमेजन पोल्यूशन इन द रिवर गंगा विल अफेक्ट ह्यूमन लाइफ। मतलब अमेजन के मुकाबले गंगा रिवर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पाया जाता है, गंगा रिवर में पोल्यूशन ज़्यादा पाया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू अमेजन रिवर। क्यों, देख लेते हैं कारण, क्योंकि पहला पॉइंट क्या दिया है उन लोगों ने कि पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो अरेबियन के जगह पे कम है, अरेबियन रिवर के आजू बाजू में बहुत कम लोग रहते हैं। अरेबियन रिवर कहाँ बहता है, ब्राज़ील के साइड से बहता है ना, यहाँ पे लोग कम रहते हैं,
बट इन केस ऑफ गंगा रिवर पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश वहीं बसा हुआ है। आप सभी लोगों ने देखा होगा गंगा का मैप, बहुत ज़्यादा लोग जहाँ पे रहेंगे, इंडस्ट्रीज ज़्यादा ज़्यादा रहेंगी, लोग ज़्यादा रहेंगे, तो उस रिवर में पोल्यूशन भी तो ज़्यादा होगा, यही कारण है कि वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा पाया जाता है। ये हो गया सेकेंड, क्या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन गंगा बेसिन इज कंपेरेटिवली हाई, मेनी इंडस्ट्रीज हैव फ्लरिश्ड इन गंगा, इंडिया के गंगा रिवर के आजू बाजू में बहुत सारी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, जिसके वजह से गंगा रिवर में पोल्यूशन ज़्यादा पाया जाता है। आई होप सभी लोगों को ये चारों को चारों क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आया होगा। ये ज्योग्राफिकल रीजंस के क्वेश्चन थे, सारी चीज़ों को लिख पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, आप सभी लोगों के पास डाइजेस्ट होगा। अगर डाइजेस्ट नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट आप नोटबुक लेके वीडियो सुन के खुद के पॉइंट्स बना सकते हैं वीडियो सुनने के बाद, और आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखते हैं आगे इन लोगों ने शॉर्ट नोट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट दे रखी हैं। तो पहला है अमेजन रिवर बेसिन, हिमालय के बारे में पूछा है, कोस्ट ऑफ ब्राज़ील के बारे में पूछा है, तो सारी चीज़ें कवर ना करके पांच शॉर्ट नोट दिए, इसमें सिर्फ तीन शॉर्ट नोट हम लोग कवर करने वाले। देख लेते हैं हिमालय के बारे में, इंडिया के नॉर्दर्न साइड में हिमालय पाया जाता है, तो हिमालय किस तरह से दिखेगा आपको, हिमालय अगर हम बनाने जाए तो हिमालय कुछ इस तरह से, इंडिया का ये मैप है, इंडिया का ये मैप आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, इंडिया के मैप पे हम देखेंगे कि हिमालय रिवर हिमालय किस तरह से दिखता है। तो हिमालय के शॉर्ट नोट में पहला शॉर्ट नोट क्या है आप लोग का, हिमालय इज़ वन ऑफ द यंगफोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, इट एक्सटेंड फ्रॉम पेरेमिर नोट टू तजाकिस्तान टू द ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट। हिमालय जो है वो तजाकिस्तान से लेके पूरा नेपाल तक फैला हुआ है, नेपाल ये पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग नेपाल बोलते हैं, ये हमारा नेपाल है, पूरा इस तरह से हिमालय फैला हुआ है। और हिमालय के बेसिकली तीन टाइप के रेंजेस होते हैं, मैंने आप लोगों को आप लोगों ने ये चीज़ को पढ़ा होगा, जो भी लेसर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, शिवालिक है, तो पहले शिवालिक आता है, फिर लेसर आता है, फिर ग्रेटर आता है, इस तरह के तीन लाइन जाती है, शिवालिक है, लेसर है, ये ग्रेटर है, इस तरह का लाइन इसके अंदर से होके गुजरता है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये तजाकिस्तान से लेकर के और इस साइड तक पूरा ईस्टर्न साइड तक फैला हुआ है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, इन इंडिया हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू द अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ पाया जाता है। आप सभी लोगों ने मैप देखा होगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हिमालय एज वेल एज द मेनी अदर पैरेलल माउंटेन रेंजेस गेट इंट्रोड्यूस इन द हिमालय माउंटेन सिस्टम, शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, इट इज़ द यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द हिमालय। मैंने ऑलरेडी बता दी कि शिवालिक जो है वो यंगेस्ट है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हिमालय कैसे बनाते हैं, हिमालय जब चीज़ें नज़दीक आई थी, चीज़ें ऊपर की तरफ गई थी, प्रेशर क्रिएट हुआ था, इसलिए हिमालय बना था। तो हिमालय का जो वेस्टर्न साइड है इसको शिवालिक बोला जाता है, और सबसे नया और सबसे यंग माउंटेन इसी को कहा जाता है। थर्ड पॉइंट क्या दिया है, शिवालिक रेंजेस ऑफ द साउथ वी कम अक्रॉस द लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय एंड ट्रांस हिमालय रेस्पेक्टिवली। अब शिवालिक के बारे में बताया, लेसर के बारे में बताया, ग्रेटर के बारे में बताया, ट्रांस के बारे में बोला, तो ये तीन टाइप चार टाइप के अलग अलग माउंटेनियस रेंजेस हैं। तो आप लोगों को बेसिकली क्या याद रखना है कि माउंटेन कहाँ से कहाँ तक आया, वेस्ट से ईस्ट तक में, तजाकिस्तान से ईस्ट तक, और नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश तक आया, अगले पॉइंट में लिख देना। फिर उसके बाद लिखना है कि शिवालिक सबसे यंगेस्ट माउंटेन है, उसके बाद बोलना कि तीन चार टाइप के माउंटेन रेंजेस होते हैं, बात खत्म, चारों पॉइंट क्लियरली अच्छी तरह से याद हो जाएगा। वीडियो को फिर से बोलते हैं और रिवर्स करके देखना, क्योंकि मुझे फास्ट बोलना होगा, पूरा चैप्टर कवर करने में 50-60 मिनट का वीडियो बन जाएगा, कोई उस पर देखेगा नहीं, कोई उस चीज़ को एंटरटेन नहीं करेगा, तो बेसिकली मैं चीज़ों को फास्ट लेके जाऊंगा, बट आप क्या करोगे, वीडियो को स्लो भी कर सकते हो या फिर रिवर्स भी कर सकते हो, चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। अगला देखते हैं क्या है, अगला है द कोस्ट ऑफ द ब्राज़ील, ब्राज़ील के कोस्ट के बारे में कुछ देख लेते हैं। ब्राज़ील का कोस्ट लाइन पहली बात तो कितना है, 7400 है, 7400 किलोमीटर तक फैला हुआ है ब्राज़ील का कोस्ट। इंडिया का कितना है, 7500, आई होप सभी लोगों ने देखा होगा उसको। कोस्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम अमापा प्रोविंस इन द नॉर्थ रियो ग्रैंडियो नॉर्थ टू नो द नॉर्दर्न कोस्ट, नॉर्थ कोस्ट ब्राज़ील का नॉर्थ कोस्ट जो है वो अमापा से लेके फैला हुआ है। द कोस्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम रियो डी नॉटे टू द साउथ इज नोन एज द ईस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट कोस्ट। तो
तो जो भी इसके नाम दिए हुए हैं, नाम पढ़ने में आप लोगों को डिफ़िकल्टी लगेगा थोड़ा सा, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप आराम से पढ़ लीजिए। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगा, फिर भी एक बार आप रीड कर लेना इस क्वेश्चन को। मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। पेनिनसुला किस पार्ट को बोलते हैं? इंडिया का जो साउदर्न पार्ट होता है उसको इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है। इंडिया का जो साउथ पार्ट है जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। पेनिनसुला के बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? इंडियन पेनिनसुला लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन। दिस रीजन टैपर टूवर्ड्स द इंडियन ओशियन। ये टैपर कर रहा है, ये टैपर टूवर्ड द इंडियन ओशियन। इंडिया का साउथ साइड है ये। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? मैनी प्लेट्यूज एंड हिल्स रेंजेस आर इंक्लूडेड इन इंडियन पेनिनसुला। अरावली रेंजेस इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। यहाँ पर अरावली रेंजेस आपको दिखता है। इंडिया के साउथ की बात कर लिया, अरावली रेंजेस के बारे में हमने देख लिया। अरावली रेंजेस कैसा दिखता है उसके बारे में हमने देख लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए अरावली रेंजेस। इट इज़ ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द इंडियन प्लेट्यू। ये जो अरावली माउंटेन है ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेनियस रेंजेस आप बोल सकते हो, सबसे पुराना है। जैसे हमने हिमालय को यंग बोला था मगर इसमें ओल्ड है। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो अरावली से ये इंडियन पेनिनसुला है, ये इंडियन ओशियन है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट कवर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्लेट्यूज और प्लेन्स हैं, जैसे महाराष्ट्र प्लेट्यू हो गया, कर्नाटका तेलंगाना प्लेट्यू हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया। विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। विंध्यास और सतपुड़ा ये दोनों का दोनों रेंज इस पेनिनसुला के सेंट्रल में पाया जाता है। ये भी आप जाके मैप में देख सकते हैं, थर्ड चैप्टर में आपको मैप दिया हुआ है जिसके अंदर आप जाके इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन जो पूछा गया इंडियन पेनिनसुला को बोला साउथ में और विंध्यास रेंजेस के बारे में बताया, फिर आपको बोला कि इसके सेंट्रल में सतपुड़ा रेंजेस पाया जाता है। तो आई होप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे ग्रेट एस्कार्पमेंट एरिया बोला गया है। ग्रेट एस्कार्पमेंट तो ब्राज़ील में ही पाया जाता है। तो ये कोस्टल एरिया कहाँ पाया जाता है? ये ब्राज़ील के हाईलैंड और ये वाला जो पार्ट है इसके बीच में एस्कार्पमेंट एरिया पाया जाता है। इसके बीच में एस्कार्पमेंट एरिया पाया जाता है, उसके बारे में आप लोगों को शॉर्ट नोट दिया हुआ है। ग्रेट एस्कार्पमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट फिजियोग्राफिकल रीजन ऑफ द ब्राज़ील। फ्रॉम द सियो पोलो टू द पोर्टो अल्जीरिया द हाइट ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड डिक्रीज रिमार्केबली लेंडिंग टू अ फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेट एस्कार्पमेंट। हाईलैंड धीरे से कम होने लगता है, हाईलैंड जब कम होगा तो एस्कार्पमेंट एरिया बनता है। उसके अंदर भी एक ग्राफ दिया हुआ है, आई होप सभी लोगों ने उसको देखा होगा। द अल्टीट्यूड ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड इज अप्रॉक्सीमेटली 790 मीटर इन द रीजन ऑफ द ग्रेट एस्कार्पमेंट। इसकी हाइट कितनी होती है ब्राज़ील के हाईलैंड की? 790 मीटर की हाइट होती है। द नेचर एंड द स्लोप ऑफ द ग्रेट एस्कार्पमेंट अफेक्ट द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द ब्राज़ील। ये क्लाइमेटिक कंडीशन को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि हाईलैंड या हवाएं आएंगी उससे टकरा के ऊपर की तरफ जाएंगी तो चीज़ें जरूर बदलेंगी। ग्रेट एस्कार्पमेंट लीड टू अ हैवी रेन इन द ब्राज़ीलियन कोस्टल एरिया एंड ऑल्सो गिव अ राइज टू द रेन शेडो एरिया ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न। अब ये जो हाईलैंड है इस साइड से जो भी हवाएं आएंगी, साउथ अटलांटिक से जो भी हवाएं आएंगी वो हाईलैंड से या फिर एस्कार्पमेंट से टकराने की वजह से ऊपर जाएंगी और बारिश यहीं पे हो जाएगी। और ब्राज़ील का जो ये पार्ट है इसको ये पार्ट को ड्रॉट एरिया बोलते हैं, यानी यहाँ पे हमेशा सूखा पड़ा रहेगा, वहाँ पे अच्छी तरह से बारिश कभी नहीं होगी। इसको ड्रॉट कोऑर्डिनेटरल भी बोला जाता है, आपके टेक्स्ट बुक में पॉइंट दिया होगा, आपने कभी कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा। तो बेसिकली ये शॉर्ट नोट थे, आपको जो भी शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट थे हिमालय के बारे में पढ़ लेना और पेनिनसुला के बारे में पढ़ लेना एग्जाम से पहले, और एस्कार्पमेंट एरिया के बारे में पढ़ लेना। एस्कार्पमेंट एरिया क्या होता है? एस्कार्पमेंट एरिया जैसे मैंने बताया हाईलैंड और इसके बीच के पार्ट को एस्कार्पमेंट एरिया कहा जाता है। तो ये तीन शॉर्ट नोट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें बहुत सारे कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस भी दिए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कुछ ब्रीफ क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द मेजर्स हैव बीन टेकन टू कंट्रोल द पोल्यूशन ऑफ द रिवर इन इंडिया। इंडियन रिवर में जो पोल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए कौन कौन से तरीकों को अपनाया गया? सबसे पहला क्या है कि जो पहला पॉइंट दिया है कंट्रोलिंग द डिस्चार्ज ऑफ ह्यूमन सीवेज इनटू अ रिवर। लोगों के द्वारा जो भी पोल्यूशन किया जाता है उसे कंट्रोल करना चाहिए।
सेकंड क्या है, कुछ तो साइंटिफिक या फिर अप्रोप्रिएट टेक्निक को अपनाना पड़ेगा ताकि जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, मतलब इंडस्ट्री का जो कचरा है, उसे हम कम कर सकें या ख़त्म कर सकें। उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े होर्डिंग्स या फिर पोस्टर्स लगा के लोगों के बीच में थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि क्यों अपने रिवर्स को हमें साफ रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने रिवर्स को। फोर्थ क्या है, सॉलिड वेस्ट को हमें रिमूव कर देना चाहिए, जितना भी सॉलिड वेस्ट है रिवर के अंदर उसको किस तरह से निकाला जाए, साफ करा जाए, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो बेसिकली ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिवर के अंदर पॉल्यूशन को किस तरह से रोका जाए। रिवर के अंदर पॉल्यूशन को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए बहुत सारे मेजर्स को लिए जाते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीजंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द स्वैम्प इन एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल लोकेशन ऑफ द पेनेटल। स्वैम्प मतलब क्या होता है, दलदली इलाका क्यों बन जाता है पेनेटल के पास। परागय रिवर है ना, ट्रिब्यूटरीज फ्लो फ्रॉम द पेनेटल रीजन। अभी परागय उरागय रिवर जो भी यहाँ से बहती हैं वो सारे की सारी रिवर्स बह करके आती हैं और वो कहीं ना कहीं स्वैम्प क्रिएट करती हैं। पेनेटल रिसीव्स द रेन ऑफ फ्रॉम द ब्राज़ीलियन हाईलैंड। पेनेटल जो रिवर है, पेनेटल है, वो ब्राज़ीलियन हाईलैंड के वजह से रेन ऑफ मिलता है, मतलब यहाँ वहाँ पे बारिश अच्छी तरह से नहीं होती है। सेडिमेंट ब्रॉट बाय परागय रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज गेट डिपोजिटेड इन अ लो लाइंग पेनेटल रीजन। जो भी रिवर जो अपने साथ चीज़ों को लेके आती हैं, वो सब जो भी चीज़ें परागय रिवर जो भी अपने साथ चीज़ों को लेके आएगी उसको एक जगह पर ला कर डिपॉजिट कर देगी, वो चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाती है। सेडिमेंट एंड इरोजन रिड्यूसेस एज वेल एज द वाटर रिमेन फिल थ्रू आउट द ईयर। लंबे समय तक वो पूरा का पूरा मट्टी और पानी एक जगह पर रहने की वजह से वहाँ पर एक स्वैम्प क्रिएट हो जाता है। आगे आप लोगों को 4 मार्क में और कोई इम्पोर्टेंट, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसका एक और दिया है 4 मार्क के लिए, बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्राज़ील और इंडिया का मैप आपके सामने रहना चाहिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ब्राज़ील के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो पहले देख लेंगे कि ब्राज़ील के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है। ब्राज़ील के अंदर हाईलैंड मिलता है, ग्रेट एस्कार्पमेंट मिलता है, कोस्टल रीजन मिलता है, प्लेन मिलता है और आइलैंड मिलता है। जैसे मैं आप लोगों को अगर ब्राज़ील का मैप बना के दिखाऊं तो साइकोग्राफी डिफरेंस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जैसे मैं ब्राज़ील का मैप आप लोगों को बना के दिखाऊं कि मान लो ये ब्राज़ील का मैप है और यहाँ पे मैंने बना दिया इंडिया का मैप, ये मैंने इंडिया का मैप बना दिया। अब ब्राज़ील के अंदर हमें हाईलैंड मिलता है, हमको प्लेन मिलता है, प्लेन मिलने के बाद हमें कोस्टल रीजन भी मिलता है, यहाँ पे एक देखोगे तो एक आइलैंड भी मिलेगा जिसे अमापा आइलैंड कहा जाता है। ब्राज़ील के ये पार्ट में एक अमापा आइलैंड भी मिलता है। तो ब्राज़ील में क्या क्या हो गया, कोस्ट हो गया, प्लेन हो गया, हाईलैंड हो गया, आइलैंड हो गया और यहाँ पे एस्कार्पमेंट एरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे एस्कार्पमेंट एरिया हो गया। बट इंडिया के केस में क्या क्या चीज़ें मिलती है, इंडिया के केस में सिर्फ पेनिनसुला मिलता है, कोस्टल मिलता है, हिमालय मिलता है और प्लेन मिलता है। इंडिया के केस में हमें क्या क्या मिलता है, पेनिनसुलर इंडिया मिलता है, कोस्टल इंडिया मिलता है, हिमालय मिलता है और प्लेन मिलता है। तो इंडिया देर इज़ नो हाईलैंड एंड अ लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में किसी भी तरह का बड़े बड़े माउंटेन्स हैं क्या ब्राज़ील में, ब्राज़ील में कभी भी कोई आपको माउंटेन्स देखने को नहीं मिलेगा। ब्राज़ील में कभी माउंटेन्स उतने बड़े बड़े जैसे इंडिया में है ब्राज़ील में नहीं है, बट इंडिया के अंदर वैसे माउंटेन्स मिलते हैं। तो बेसिकली पहले पार्ट में आपको इन चारों पांचों, जैसे ब्राज़ील में 5 चीज़ों की बात कर दी है, इंडिया में 4 चीज़ों की बात कर दी है, वहीं पे सेकंड पॉइंट में आप माउंटेनियस रेंजेस के बारे में बोल सकते हो कि ब्राज़ील के अंदर लॉन्ग रेंज माउंटेन रेंजेस नहीं है, वहीं पे इंडिया के अंदर लॉन्ग रेंज माउंटेन रेंजेस हैं। थर्ड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो, हिमालय माउंटेन है जो वो एक्सटेंड करते हैं नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, माउंटेन रीजन इन द वेस्टर्न घाट इज इन द वेस्ट एंड माउंटेनियस रीजन इन द ईस्टर्न घाट इज ए ईस्ट पेनिनसुलर रीजन। यहाँ पे आप बोल दो कि जो हिमालय रीजन है वो इस साइड है और इंडिया में वेस्टर्न घाट इधर है और ईस्टर्न घाट का माउंटेन इधर है। दो माउंटेन होते हैं ना, वेस्ट होता है और ईस्ट होता है, दोनों घाट, वेस्टर्न घाट यहाँ से यहाँ तक आता है, ईस्टर्न घाट यहाँ से यहाँ तक आता है, ये माउंटेन है पूरा इंडिया के आजू बाजू में दोनों साइड में, वेस्टर्न घाट का माउंटेन है और ईस्टर्न घाट का माउंटेन पाया जाता है। ये दोनों का दोनों माउंटेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
इंडिया के साइकोग्राफिक के लिए या फिर वहाँ पे वेजिटेशन के लिए। हमें ऑलरेडी पता है कि जो वेस्टर्न घाट है इंडिया का, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन में रिच है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पेड़ पौधे और एनिमल्स हमेशा मिलते रहते हैं नए। फोर्थ पॉइंट क्या है, द हाइस्ट रेंज ऑफ द ऑल्टीट्यूड इज़ 500 to 1000 meters इन ब्राज़ील, ऑन द अदर एंड इन इंडिया इज 6000 to 8000 meters। तो हम क्या बोल सकते हैं, ब्राज़ील में जो हाइट है, ब्राज़ील में जो बेसिक हाइट है वो 500 मीटर से लेके 1000 मीटर तक है। वहीं पे इंडिया की बात करें तो इंडिया के केस में ये 6000 मीटर से लेके 8000 है, क्योंकि इंडिया में हाईलैंड ज़्यादा नहीं, इंडिया में ये माउंटेन है हमारे पास हिमालय माउंटेन का हाइट ऑलमोस्ट 8000 मीटर अप है। बट ब्राज़ील के केस में बात करें, हाईलैंड का जो हाइट होता है वो 500 से 1000 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है। तो आई होप सभी लोगों को बेसिक डिफरेंस पता चला होगा ब्राज़ील और इंडिया के बीच में क्या क्या उसका साइकोग्राफिक डिफरेंस है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हर लाइन को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट अगर वीडियो को आप ध्यान से सुनोगे तो ये बात तो श्योर है कि आपको अच्छी तरह से आंसर समझ में आया होगा और चीज़ें अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन एक और कवर कर लेते हैं, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉर्थ प्लेन। इंडिया का नॉर्थ प्लेन कैसा है, इंडिया का नॉर्थ प्लेन, ये वाला जो पार्ट है इंडिया का नॉर्थ प्लेन, हमने पेनिनसुलर पार्ट किया था, ये पूरा हम लोग नॉर्थ प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्थ प्लेन में क्या क्या पाया जाता है, पहला है फ्लैट लो लाइंग एरिया लोकेटेड इन द नॉर्थ इंडिया, इस रीजन नोन एज द नॉर्थ इंडियन प्लेन। ये नॉर्थ इंडियन प्लेन है, नॉर्थ इंडियन प्लेन इसको बोला जाता है, ये जो भी आपका नॉर्थ प्लेन है इसके बारे में बात की गई है। आगे क्या दिया, सेकेंड पॉइंट, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाई बिटवीन द हिमालय माउंटेन इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर ऑफ द साउथ। अरे नॉर्थ इंडियन प्लेन है ना, वो हिमालय से और पेनिनसुलर के बीच में तो मिलता है। हाँ तो ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्लियर हो गया कि नॉर्थ इंडियन प्लेन हमें दोनों के बीच में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, नॉर्थ इंडियन प्लेन आर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। नॉर्थ इंडियन प्लेन को क्या बोल दिया उन लोगों ने, बोल दिया 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। देख लेते क्या क्या 3 पार्ट है उसका, एक तो गंगा प्लेन है, अरावली लो लाइंग एरिया। नॉर्थ इंडियन प्लेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फोर्थ पॉइंट क्या है, लो लाइंग एरिया टू द ईस्ट ऑफ द अरावली इज नोन एज द गंगा प्लेन टू द स्लोप ऑफ द ईस्ट। अब ये गंगा प्लेन है इस साइड गंगा प्लेन है, इस साइड अरावली है, उस साइड नॉर्थ इंडियन प्लेन पाया जाता है। लो लाइंग एरिया टू द ईस्ट ऑफ द अरावली इज नोन एज द गंगा प्लेन, इट इज स्लोप टू द ईस्ट। द डेल्टा ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर एक्सटेंड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब यहाँ पे हम लोग को डेल्टा भी बना हुआ मिलता है। डेल्टा क्या है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर यहाँ से बहती है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आके ऐसे बहती है, ये दोनों को दोनों रिवर वेस्ट बंगाल वाले जगह में सुंदरबन में एक डेल्टा बनाती है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया था आंसर में कि डेल्टा किस तरह का होता है और कैसे बनता है। द रीजन इज नोन एज द सुंदरबन, सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा रीजन इन द वर्ल्ड। सुंदरबन पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा हम उसे बोल सकते हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाय द डेजर्ट। जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जो वेस्टर्न पार्ट है, ये पूरा जो भी आपका राजस्थान वाला और गुजरात वाला इलाका है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से डेजर्ट से कवर होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है, उसका जो ईस्ट वेस्ट पार्ट है, ये नॉर्थ प्लेन है, नॉर्थ प्लेन का जो वेस्ट पार्ट है, ये पूरा का पूरा डेजर्ट से कवर होता है, द प्लेन ऑफ द पंजाब लाइज इन द नॉर्थ इन द थार डेजर्ट, इट इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द अरावली एंड दिल्ली रेंजेस। ये यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है, अरावली माउंटेन है, अरावली माउंटेन के सब वेस्ट साइड में पाया जाता है, ठीक है। द प्लेन ऑफ द पंजाब स्लोप टू द वेस्ट, इट हैज़ वेरी फर्टाइल सॉइल, देयरफॉर एग्रीकल्चर इज हाईली। जो पंजाब वाला पार्ट है, यहाँ पे पंजाब वाले पार्ट में ज़्यादा फर्टाइल सॉइल इसलिए पाया जाता है और वहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो आई होप सभी लोगों को थर्ड चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, 30 मिनट्स का वीडियो हो गया, बट आप सभी लोगों से आई होप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा तो चीज़ें कुछ ना कुछ समझ में आई होंगी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगले वीडियो में 4th चैप्टर के साथ आएंगे, तो अभी के वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड स्टडी वेल।